हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नुपुर यमटम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी धुली उड़द की दाल की चाट मैंने इसके लिए एक कप धुली उड़द की दाल लिया इसे कहीं पानी में वॉश कर लिया था फिर इसे उबालने का ही मेन टास्क है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा लिया है अगर हम कम पानी रखेंगे तो तो ये घुट जाएगी इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको उबलने के लिए रख देंगे बस इसमें ये ध्यान रखना है कि सीटी आने नहीं देनी है सीटी आने से पहले ही कुकर मतलब हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है वरना हमारी दाल घुट जाएगी फिर वो चाट नहीं लगेगी नाइन्टी परसेंट हमें दाल गला लेनी है इस तरीके से हमारी दाल होनी चाहिए अब बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं फिर मैंने पैन में थोड़ा सा घी लिया है उसमें हींग डाला है अदरक थोड़ा सा प्याज अब यहाँ पे हमें प्याज को बिल्कुल मतलब सुनहरा नहीं करना है बस थोड़ा सा ही एक भूनना है मतलब एक दो बार ऐसे ही चलाना है फिर ऐसे ही टमाटर को चलाना है ज़्यादा इसको गलाना नहीं है उसी तुरंत ही हम इसमें अपनी दाल डाल देंगे दाल डालने के बाद इसमें कुछ ही मसाले मतलब बेसिक से मसाले जाएंगे ज़्यादा मसाले ना डालें इसमें नमक लाल मिर्च गरम मसाला चाट मसाला बस यही सब आप ऐड कीजिएगा इससे ये बहुत टेस्टी लगेगी जब हम इसको सर्व करेंगे और चीज़ें हम उसमें डालेंगे अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें मेन डालेंगे हम हरी मिर्चें बहुत सारी हरी मिर्च बहुत ही टेस्ट आता है हरा धनिया हमारी हर डिश हरे धनिया के बिना अधूरी है अदरक लास्ट में इसमें हम नींबू डालेंगे चाट में तो नींबू मस्ट है नींबू का बहुत ही स्वाद आता है जब सर्व करेंगे चाट मसाला नींबू हम तब भी ऐड करेंगे अब ये हमारी रेडी टू सर्व है इसको हम ऊपर से चाट मसाला नींबू और डाल के देंगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही हेल्दी बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा थैंक यू